हमारे YouTube चैनल से जुड़े हमारे दर्शकों के लिए विशेष सूचना। कृषि और सहायक धंधों संबंधी इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, उनको सहायक धंधों के प्रति प्रोत्साहित करना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए पूरा विवेक का इस्तेमाल करते हुए खाद सामग्री और पशुधन की खरीद करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, ये अंकुश डेयरी अमृतसर मजीठा के पास में है। अंकुश जोली जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। गाय दिखाते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन जो अगर पूछेंगे कोई ज्ञान की बातें फिर उसमें ये नाक से कोटते हैं, तो अपने मतलब की बात खाली करते हैं। आज देखते हैं क्या कहते हैं। जो गाय दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया, आज भी गाय बहुत बढ़िया दिखाते हो। हाँ जी, तो बहुत बुलंदियों पर हो। सर आपकी कृपा है। हमारी कृपा नहीं कहते, हमारे आने से पहले भी तुम राजस्थान में बहुत छाए हुए। सर ऐसा नहीं है, देखिए हर कोई मतलब कि किसी की सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, हमारे पीछे किसानों का हाथ है। नहीं तो हमारे को कोई पूछता नहीं था, ना ही हमारे कोई जानता था कि किसानों से ला के किसानों को बेची है तो बस उन्होंने नाम बना दिया। ये जो गाय दिखाई है जी, कितने दांत है? सर ये 6 दांत की है, हिडन की है, दूसरे ब्यात में बच्चा देगी। पहले ब्यात में 36 लीटर दूध दिया है। वर्ल्ड वाइल्ड का ऑलस्टार का सीमन लगा हुआ है इसको, कर्नाटका बेंगलोर में जा रही है। जा रही है जी। कितने की बेची है? ये 1.5 लाख रुपये की बेची है। किसको? सर प्रणव जी है, उनको बात करवाया करो ताकि लोगों को पता चले कि तुम कितना झूठ बोलते हो कितना सच बोलते हो। नहीं नहीं बात जरूर कराएंगे सर, आज तक ऐसा हुआ है कि बात ना कराई हो। जिनकी गाय मर चुकी है, मेरे से गाय ली है या नहीं अच्छी निकली, 10 गाय फ्री दूंगा। फिर लूटना मत। नहीं लूटूंगा। ये कौन सी ब्यात? आपने इतनी मेरी वीडियोस बनाई है कि अभी ये सारी गाय दिखाऊंगा, आप देखिए कंपैरिजन करिएगा। क्या कौन सी ब्यात? सर दूसरे ब्यात में बच्चा देगी, 32 लीटर दूध तैयार है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अगले में? हाँ जी, और डेफी का सीमन लगा हुआ है। अगले ब्यात सर 52 लीटर दूध का रिकॉर्ड है इसका। कितना? 52 लीटर का, 52 लीटर। हाँ जी, 32 दिया है एट प्रेजेंट, 32 तैयार है और 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 4 महीने की प्रेग्नेंट है, 32 लीटर अभी 32 दे रही है, तब भी दे रही है, 52 लीटर दूध देती रही है। भरमा रहे हो लोगों को? सर दो टाइम दो मिल्किंग कर दी हुई है, जिनको बेची 1,15,000 में बेची हुई है। 1,15 की बेची? हाँ जी, 52,000। और मेरे को इतना पता जब ये तैयार होके बिकेगी 2,50,000 रुपये से कम नहीं बिकेगी। कहते गर्मी में इतना देती नहीं। ये तो मैंने रेट बताना नहीं था ना, तो फिर भी मतलब मुंह से निकल गया तो अब सभी का रेट बताऊँ, नहीं तो बताना नहीं था। क्योंकि इस रेट में कोई देगा भी नहीं, ना मिलेगी भी नहीं। 32 लीटर दूध की अगर ताजी ब्याई गाय हो तो तब भी वो 1,00,000 रुपये की मिलती है, फिर भी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। डेफी का 3480 रुपये का सीमन है, वर्ल्ड वाइल्ड का डेफी की सीमन ले गई हुई है इनको। एक ही फार्म से 5 गाय एक साथ उठाई है, तो पांचों की पांचों आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये आगे दूसरी? दूसरी। कितना? जो पहले वाली थी ना वो अलग है, 15,000 की। 15,000 32 लीटर दूध है, 52 तक बिल्कुल। अगर आज की तारीख में अकेले की भी बात करूँ ना तो 1.5 लाख रुपये की एट प्रेजेंट में ये कीमत रखती है। एट प्रेजेंट तुम कुछ भी कहते रहो, कुछ नहीं ना कहते सर। आप इतनी वीडियोस बनाते हो क्या? ऐसी गाय देखने को मिल रही है, वो भी गर्मियों में, और इतनी गर्मी में 32 लीटर दूध दे दे तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ अपनी गाय बेचने की बात करते सर, देखिए अभी तुमने ये बताया कि इसकी ये फीडिंग होनी चाहिए, नए किसान को ऐसे करना चाहिए, फॉर्मुलेशन पहले दिया हुआ है। इवन वो कह रहे थे जैसे वे स्कूलों वाले नहीं है, अब सुनो मेरी बात, वो सिलेबस लगा देते हैं लिख करके, ये सिलेबस मेरे पास है, ये हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं। वो कभी ये नहीं बताते कि हम जो सरकार ने नियम बना रखा ना, जैसे 25% वाले फ्री वाले हैं, वो हमने कौन से हैं? कई नहीं बताएंगे। कई जगह पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो फीड यूज करते हैं कि कारगिल की होगी, आशीष की होगी, कितनी कंपनीज है, वो
अलग स्टेट में नहीं मिलती, जैसे गुजरात में कभी कभार 10,000 नंबर कारगिल की नहीं मिलती, यहाँ तो कर्नाटका में नहीं मिलती। मैंने स्पेशली कंपनी वालों से फॉर्मुलेशन लिया उनका कि उसमें क्या क्या तत्व डलते हैं, उसने लिस्ट बनाई तो कम से कम 20 उसमें। सर जिसकी चलती वो चलाता ही हमेशा, हमको बता दो। हाँ जी बिल्कुल, मैंने उनको भेजा भी है पूरा फॉर्मुलेशन, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं उन्हीं का बीच में फ़ोन भी आ रहा है। ये फॉर्मुलेशन आपने दिया है जी, इससे क्या फ़ायदा? सर जैसे वहाँ पे तकरीबन जो सस्ती वाली फीड होती है ना, उसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हल्की चीज़ें हैं वो उन्होंने घुसाई होती है, अपनी मनमर्जी का जो सड़ा हुआ धान होता है ये वो सब उन्होंने घुसाया होता है। अब ये फॉर्मुलेशन से आप अच्छी चीज़ें उसमें यूज़ कर सकते हैं, यूरिया की मात्रा कम कर सकते हैं, अच्छे कंपनी के मिनरल मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, जो उसमें सारी चीज़ें डाली हुई है, आयुर्वेदिक चीज़ें डाल सकते हैं। जो जैसे सोयाबीन का रेट बहुत ज़्यादा है तो कंपनी सोयाबीन कम कर देती है, तो उसमें सोयाबीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो सारी चीज़ें गायों में 10 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट दिखा देती है शाइनिंग में। फिर जिस फीड में सस्ती होगी उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होगी, गायें बेशक दूध ज़्यादा देगी, वो दुबली होने घिसनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती है कि बहुत मायने रखती है, हम जो खाएंगे जो उसको खिलाएंगे वही हम भी पाएंगे, वही हम खाएंगे पिएंगे। 2 साल से जुड़े हुए हैं तो आज गाय ली है। अच्छा 2 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लगा ये आदमी? नहीं ठीक है, इसलिए ये कर रहे हैं। हाँ एक बार मिले भी नहीं, सीखते हैं यार। आप कमियां गिना दो, खाली तारीफ मत करो। कमियां गिना दो, इसकी तारीफ मत करो। कमियां क्या निकलना सर, अच्छा आदमी तो अच्छा ही बोला मैं। तो कितनी गाय है आपके वहाँ पर? 40 है। हाँ मेरे पास है ना। तो दूध है सर 140-150। तो भाव अच्छा मिल जाता? नहीं नहीं सर, इस बार तो है। भाव बढ़ना चाहिए क्यों, हर चीज महंगी हो रही है। वो दूध ऐसा है पानी से कम बिकता ना। कैसी ब्रीड लगी आपको पंजाब की? जी आप तो बहुत एजुकेटेड इंटेलिजेंट आदमी, तो वहाँ ब्रीड तैयार कर दो। अब वही कर रहे हैं सर, धीरे धीरे से हो रहा है। तो कब आए देखने के लिए? नहीं हम कब आए देखने के लिए? नहीं नहीं आऊंगा आऊंगा। नहीं नहीं हम ये पूछ रहे हैं कि हम आपका तबेला देखने कब आए? कभी सर, अभी आ जाओ। ये जोली को बोलो ना कि लेके आए हमको। आ जाओ सर, बुलाऊं सर को। चलो आप बात की, आपसे बहुत बढ़िया लगा। ये वो 5 में ही है? ये भी 5 में ही है सर। टोटल तो उनकी 7 गाय जा रही है। मतलब कि एक फार्म में से 5 गाय ली है, टोटल उनकी 7 जा रही है। अच्छा। इन्होंने मेरे को बोला 10 गायें चाहिए। हाँ। मैंने कहा 10 तो ट्रक में मैं भेजूंगा नहीं, मैं हार्डली 6 गाय भेजूंगा। हाँ। क्योंकि गर्मी है और एकदम हैवी वेट है। हाँ। देखिए आप कैसे हाथी के बच्चे ही हैं। तो मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में कभी इस चीज़ की लालच नहीं की। सर कोई गाय 50 लीटर से कम नहीं है, क्योंकि ये गाय बच्चा देगी सर्दियों में। दाम क्या? तो ये भी 1-15 में। 1-15 जी? ये 5-15 में? 4 गायें 1-15 में है। एक और जो पहले नंबर की वो 1.5 लाख की। वो क्यों 1.5 लाख की? सर वो अलग फार्म से ली हुई है और वो तैयार है बच्चा देने बाकी में। चारों 1-15 की। दूध 50 देगी? दूध 50 लीटर देगी। और इसमें कितना झूठ है? एक्चुअली क्या है सर, देखिए इसमें झूठ कितना है? कोई झूठ नहीं है सर, वो सच तो बोल रहे। गाय अपने आप ही बता रही है। 1-15 की हमको ला के दिखाओ सर। ला के दिखाएं? बिल्कुल लाएंगे सर, ये 4-4 महीने की प्रेग्नेंट है इसलिए। अच्छा जोली एक वो हमको ना ऑफिसर से हमने पूछा जी, वो खाद्य एजेंसी के थे जी, हमने उनसे पूछा कि चलो ये हमारे सूत्र हैं भी, हम नाम नहीं लेंगे जी, ना बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमने उनसे पूछा कि भाई आपके पास इतना अनाज गल सड़ जाता है जी, हैं, और जब इनकी स्पेशल रोड लगना होता है जी, तो ऊपर पानी बरसात को देख करके तरपाले हटा देते हैं जहाँ पाइप से पानी डालते हैं। एक ने वो लगा रखी थी मोटर बहुत साल पहले, करीब 95 में हमने भी खरीदी 1900-600 रुपए की। अच्छा। तो वो पानी डालने के लिए रखी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो ताकि वजन बढ़ जाए और फिर जो उसमें अनाज सर ऐसा अगर कोई काम करेगा तो यहीं पे भुगतेगा। तो हमने उनसे पूछा कि जो अनाज गल जाता है 200 साल का पड़ा हुआ है, तो फिर ये किसको बेचते हो? वो कहता कि ये देखो आदमी को खाने लायक नहीं है, ये इंसानों को, ये इनको गायों के लिए कंपनीज उठा लेती हैं, पशुओं को कहता है ये कंपनी अपने ले जाती है आधे रेट से भी कम के रेट में ले जाती है, इंसानों को नहीं देते। नहीं जी, मैंने कहा फिर जो पशु जो खाते हैं जी, तो वो फिर क्या होता है? तो दूध देते हैं कि ना, वो दूध में कौन पीता है?
हम लोग ही पी रहे हैं, वो जहर ही पी रहे हैं, हमारे में ही आ गया फिर तो। हाँ तो फिर सीधे इंसानों को ही दे दो भाई। बिल्कुल, और वो भी जानवर भी तो बद्दू भाई देगा, वो क्या करेगा। यही बात है ना सर, जो सस्ती फीड है उसमें सब सड़ा गला अनाज ही होता है, यहाँ पे लोकल कई छोटे छोटे जानवर से बेईमानी इसलिए करते हैं कि वो मूक है जी, वो बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और वो उसने हमको देना है, वो बस लेना कुछ नहीं, बेचारा अपनी भूख के चक्कर में खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। अब वो अपने बच्चों के लिए दूध पैदा करता है, उसको हम लोग छीन लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब हम उसके साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सही बात है, चलो आगे ले आओ। ये अगली आ गई है जी सर। सर इस बार कई लोग है, व्यापारी है, कहते हैं कि ओपन चैलेंज है ब्रीड के लिए, कि हमारे अलावा किसी को घुसने नहीं देते फार्म में, ये है वो है। मैंने कहा भैया हम भी फिर सफ़ेद सफ़ेद ही ले आते हैं, और क्या, सफ़ेद सफ़ेद गायें, इसलिए आज इकट्ठी की है सभी। जी इनके चक्कर में ना पड़ा, हम नहीं पड़ते हैं सर, अपना काम, सिर्फ अपना काम, काम बोलेगा सर, सीधी सी बात है, काम बोलेगा और लोगों की दुआएं बोलेगी। आशीर्वाद भगवान का जी साथ में, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जी। तो ये इन सब बातों से इनके चक्कर में पड़ो ही नहीं। नहीं नहीं, हम नहीं पड़ते हैं सर। ये गाय जो दिखा रहे हैं, हमारा खुद से कंपटीशन है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं। बढ़िया है जी, बिल्कुल सर, ये अपना CRI की है, CRI मेसी की है, और बहुत सर 32 लीटर दूध तैयार है, आज पांचवा छहवा दिन है बच्चा, सेकंड लैक्टेशन में है। अच्छा, ये सारी सेकंड लैक्टेशन सर, उनका डिमांड पहले में लगते हैं, उनकी डिमांड यही थी कि मेरे को सेकंड में चाहिए। अच्छा, तुमने ऐसी और भी लाके खड़ी कर रखी है? और भी है सर, काफी। ऑनलाइन बेच दोगे बाद में इनको, नहीं दूसरी ला दोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, टैग वाइज सारी वीडियो बना के उनको मेंशन कर दी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता सर, प्रिंट पता लग जाता है, गायों के दांत, चाल चलन, हर एक चीज़ पता लग जाए, प्रिंट थोड़ी चेंज कर देंगे गाय के। नहीं बदलते? नहीं नहीं सर, अब जरूरत क्या है सर, ऊपर वाला बढ़िया दे रहा है, परमात्मा खुद ही तारीफ। बात नहीं समझते सर, अभी और पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, अगर यही काम चलता रहा फिर तो सारा महीने में एक दो गाड़ी ही बेचेंगे बस। अभी गुजरात की आज गाड़ी जा रही है, एक कर्नाटक की जा रही है, और पीछे केरला का माल तैयार हो रहा है। एक बात बताऊं जी, कहते हैं ना तुलसी बिल्वा बाग का जी, सहजे ही कमलाए, राम भरोसे जो चले पर्वत पर चढ़ जाए। बिल्कुल, धीरे 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 सब कुछ होता याद रखना बात। बिल्कुल सर, सही बात है। ये भी एक 15 में? नहीं सर, ये एक 35 में, जो एक 15 में मैं बोला कि चार एक वो और पड़ी है ना, अभी गाय खत्म कहाँ हुई है, अभी आ रही है, एक 35 की है वो, आप कह रहे थे वो एक 15 की, धीरे धीरे पहाड़ चढ़ो ना सर। यार अब तुम एक 15 की दिखा देगा कि लूटोगे बाकी लोग? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है सर, वो तैयार है, उनको जो एक 15 का रेट दिया वो टोकड़ गबन समझ लीजिए, कि दूध भी दे रही है और प्रेग्नेंट है, इस प्रकार की है, ये फ्रेशर है, कि अभी 32 लीटर दूध तैयार है, ज़्यादा नहीं, 35-36 लीटर दूध बोल के दिया है। जो हमने स्टार्टिंग में दिखाई ना, उसने फर्स्ट लैक्टेशन में 36 लीटर दूध दिया है, पर इस लैक्टेशन में मैंने उनको 35 लीटर दूध दिया है, बोल के दिए, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, वही सर्दी में बच्चा देती है तो 40-45 लीटर वो भी दूध आराम से दे देती। ये आ गई अब आगे पाँचवें छठे नंबर पे। सर दोंदी खीरी है, दो दांत जी, कितना दूध? हाँ जी, दो दो सर, दूध पहले लैक्टेशन में आराम से 35 लीटर दूध दे देगी, है? आराम से, इसकी माँ का 60 लीटर का रिकॉर्ड है, उनके घर पे गाय ही दो थी। नहीं तुम ये जो बातें गिना दो, 60 लीटर रिकॉर्ड है सर, कद का ठीक है, ऊपर बात करते हैं, वो किसने देखा है? नहीं हमने देखा है ना, इसका एक्चुअली किसी फार्म से नहीं आई है, व्यापारी के घर से आई है, व्यापारी के जी, तो उसने अपने घर पे मतलब के शौक से पाली हुई थी। महंगी सर, 1.35 की मैंने आगे दी है, 1.35 आगे बेची है, दूध देगी, दूध आराम से 35 लीटर दूध देगी। हाँ जी, गर्मियों में, और 7 महीने की प्रेग्नेंट है। सर्दी में जाए कितना कर देगी सर? सर्दियों में तो फिर बाद में आगे प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब कि वैसे तो उनको प्रेग्नेंट जो है इनको अब अक्टूबर नवंबर में कराना चाहिए। अच्छा तुम ये बताओ कि कौन से मौसम में ये फल आता है गायों का सर? कारोबार का, कारोबार का देखिए सर, जिनको तो नॉलेज नहीं है वो चलते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो गर्मियों में काम करना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, पर क्या होता है कि जैसे अब आगे मई जून का सीज़न आएगा ना, तो केरला में एडवांस में ही वहाँ पे वो आ जाता है, मॉनसून आ जाता है, वहाँ पे बरसातें चालू हो जाती है, हमारे को साउथ से बहुत ऑर्डर आते हैं गर्मियों में, यहाँ से महाराष्ट्र तक गायें चली जाती है ना, तो बढ़िया बात है, कि क्योंकि बीच में यहाँ से महाराष्ट्र ले जाना बहुत मुश्किल होता है, गर्मी बहुत होती है गायों के लिए, तो व्यापारी तो लालच के चक्कर में 10 गायें घुसा देता है, 11 भी घुसा देता है, 9 भी घुसा देता है, पर मैं तो सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 6 गायें या 7 गायें से, 6 अब्बल तो 6 ही डालनी चाहिए, 6 से ज़्यादा गायें डालनी नहीं चाहिए ट्रक में,
लालच ना करो कि मेरे को किराया ज़्यादा डल रहा है ये है वो। अगर लालच ही करना है तो आराम से सर्दियों में गए लेना, गर्मियों में लो ही मत, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ही देखनी है। ये तुम्हारा सुझाव है? मेरा सुझाव है ये कि 6 से ज़्यादा गाय नहीं डालनी चाहिए। जब हम आपके पास वीडियो बनाने आते हैं ना जी, तो अच्छी गाय दिखाते हो बिल्कुल, लेकिन एक नमूना जरूर दिखाते हो अलग से। एक ही दिखाते हो, पहली बार भी दिखाया था। हाँ जी, आज चलिए जर्सी दिखा रहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया है सर, 36 लीटर का रिकॉर्ड है। टूटा हुआ इसका? नहीं नहीं टूटा नहीं है सर, अभी खाली है, ड्राई है बिल्कुल। और जब भरेगा ना तो ये पीछे की तरफ आएगा, अगर टूटा होगा तो मैं पार्टी से एक रुपया भी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी देखी हुई है। और जर्सी हमेशा एक्चुअली क्या है कि अडर बड़ा बनाती है, कॉम्पैक्ट नहीं बनाती है। जो पहली जर्सी थी, अभी के जो लेटेस्ट सीमन है वो भी कॉम्पैक्ट अडर बनाने लग गई है, बट ये पहले के सीमन की है, लगभग 4 साल 4.5 साल इसकी उम्र होगी, 5 साल भी हो सकती है। तो ये है वोल्केनो की है, तो इसको 50062 का सीमन लगा हुआ है डेनमार्क का। दाम ये भी 1.15 की उसी लॉट में है। दूध सर 4 महीने की प्रेग्नेंट है ये भी, सॉरी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब दे कितना रही है? सर अभी कोई नहीं है, एक्चुअली क्या है कर दी। सर 2-3 गायें ड्राई होगी। 4 महीने की जो मैं आपको बताता हूँ क्या है कि जो फार्म से आई है ना ये गायें, उन्होंने पूरा वाइंड अप कर दिया है। फैमिली सारी टोटली कैनेडा में रहती है, वहाँ पे सर्वेंट गायों का ध्यान रखते हैं। बिना फीडिंग के ऊपर वो गायें के नीचे 32 लीटर दूध है, और एक गाय और दिखाता हूँ उसके नीचे 20 लीटर दूध है, बिना फीड के। बिना फीड के इतना दूध दे रही है, और जो बिना फीड के नहीं चल पाती वो ड्राई हो जाती है। मतलब कि जैसे सारी तुमने खरीद ली वहाँ से? नहीं सर, जैसे क्या होता है फार्म वाले के पास 200 गाय थी, पहले सब बेच दिया, जो क्रीम रह जाती है आपको पता है फार्म वाला लास्ट में बेचता है वो, तो वो अपने लास्ट में 6-7 गाय ली थी इनसे, सारी ली, बाकी रह ही नहीं गई थी। अच्छा वो जी जो थी वो सारी अपने ले ली थी लास्ट की 5-6 गाय। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हमारे दर्शकों के लिए विशेष सूचना, कृषि और सहायक धंधों संबंधी इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, उनको सहायक धंधों के प्रति प्रोत्साहित करना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री जब पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए पूरा विवेक का इस्तेमाल करते हुए खाद्य सामग्री और पशुधन की खरीद करें। धन्यवाद।